अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उम्मे हबीबा एंड आई एम योर टीचर सब्जेक्ट गाइडेड इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ मंडे 17th अगस्त 2020। राउंड टू ऑफ सेकेंड टर्म फॉर रिवीजन। मटेरियल फॉर लर्निंग इज़ लेसन नंबर 24, ट्रांसलेशन प्लस एक्सरसाइज, पेज नंबर 128 प्लस समरी। अ टेरिबली स्ट्रेंज बेड। नाउ लुक एट मटेरियल फॉर राइटिंग प्रेपोजिशन, पेज नंबर 58, 1 to 10। So dear students, open your guided books at page number 125. First of all, look at the picture of this page. In this picture, you can see that there is a young man sitting on the bed looking at something stranger, and no doubt he is suffering with horror. So students, this is very interesting story. As you can see that from the topic, Tales of Crime and Detection, this story would be quite similar with this topic. Now students will read this story in detail. A terribly strange bed, a khofnak ajeeb bistar. The feathers were very long, 3 white, 2 green. Par bahut hi lambe the, 3 safed, 2 sabz. The moonlight coming in the window made my thoughts wander. Chand ki roshni jo khidki se mere kamre mein aa rahi thi, usne mujhe sochne par majboor kar diya. I remembered other moonlit nights in England. Mujhe Inglistan mein dusri chand raaton ki yaad aa gayi. I found myself looking at the picture again. मैंने अपने आप को दोबारा तस्वीर को देखते हुए पाया. Then I looked hard. फिर मैंने सख्ती से देखा. What was I looking for? कि मैं क्या तलाश कर रहा था. Good heavens, खुदा की पनाह. Had the man pulled his head down? क्या आदमी ने अपनी टोपी नीचे की तरफ खींची थी. No, नहीं. The hat itself was gone. टोपी खुद ब खुद गायब हो गई थी. Where were the feathers? पर कहाँ थे. 3 white, 2 green. 3 सफ़ेद, 2 सब्ज. Not there? वो वहाँ नहीं थे. In place of the hat and feathers, उस टोपी और परों की बजाय, वो dark object was it that now hid half the man's face? वो कौन सी स्याह चीज़ थी जिसने अब आदमी के आधे चेहरे को छुपा रखा था. Was the bed moving? क्या बिस्तर हरकत कर रहा था. I turned on my back and looked up. मैं पुश्त की तरफ पीछे की तरफ मुड़ा. एंड लुकड अप और ऊपर की तरफ देखा. वॉज आई मैड और ड्रीमिंग. क्या मैं पागल था या ख्वाब देख रहा था. वॉज द टॉप ऑफ द बेड रियली मूविंग डाउन. क्या बिस्तर का ऊपर का हिस्सा वाकई नीचे हरकत कर रहा था. ऑल इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. अपनी पूरी लंबाई और चौड़ाई के साथ. सिंकिंग स्लोली. आहिस्ता आहिस्ता. रेगुलरली. बाकायदगी से. साइलेंटली. खामोशी से. राइट डाउन ऑन टू मी. ठीक मेरे ऊपर सीधा. As I lay underneath, जैसे ही मैं नीचे की तरफ लेटा. My blood seemed to stand still. मुझे मेरा खून जमता हुआ महसूस हुआ. An icy coldness crept all over me. बर्फ जैसी ठंडक मुझ में रिंग गई. As I turned my head round on the pillow to test whether the bed top was really moving or not, by keeping my eye on the man in the picture. जैसे ही मैंने अपना सर तकिए के गिर्द मोड़ा ये देखने के लिए कि क्या वाकई बिस्तर का ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ हरकत कर रहा था. अपनी नज़र तस्वीर में मौजूद उस आदमी की तरफ रखते हुए. द नेक्स्ट लुक इन दैट डायरेक्शन वॉज इनफ. अगली नज़र उस सिमत में मेरी काफ़ी थी. द मैंस फेस हैड गॉन. आदमी का चेहरा अब गायब हो गया था. द डार्क हैंगिंग ऑब्जेक्ट राउंड द बेड टॉप वॉज लोअर. लटकती हुई स्याह चीज़ बिस्तर के ऊपर से नीचे थी. आई स्टिल लुक्ड ब्रेथलेसली. मैंने अभी भी अपने आप को बगैर सांस लिए हुए महसूस किया. स्टेडली एंड स्लोली. आहिस्ता और आहिस्ता. वेरी स्लोली. बहुत ही आहिस्ता. आई सॉ द रेस्ट ऑफ द फिगर इन द पिक्चर डिसअपीयर. मैंने देखा कि तस्वीर में बाकी का हिस्सा भी गायब हो गया था. द लाइन ऑफ द फ्रेम बिलो इट. फिर उस चौखटे की लाइन उससे नीचे आ गई. नाउ The picture had completely gone. अब तस्वीर मुकम्मल तौर पर गायब हो गई थी. वर्ड मैं एक बुजिल नहीं हूँ. आई हैव बिन मोर देन वंस इन ग्रेट डेंजर ऑफ डेथ. मैंने मौत के बड़े बड़े खतरात का एक से ज़्यादा मरतबा सामना किया है. एंड हैव नॉट लॉस्ट माई सेल्फ कंट्रोल फॉर अ मोमेंट. और एक लम्हे के लिए भी मैंने अपने जब्त को नहीं खोया. अपने हवासों को नहीं खोया. बट वैन आई वॉज श्योर. लेकिन जब मैं इस बात पर यकीन करता. द बेड टॉप वॉज रियली मूविंग. कि क्या बिस्तर का ऊपर का हिस्सा वाकई हरकत कर रहा था. वॉज स्टेडली एंड कंटिन्यूसली मूविंग डाउन ऑन टू मी. कि वो आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल
मेरे ऊपर नीचे की तरफ हरकत कर रहा था। आई लुक्ड अप ट्रेम्बलिंग हेल्पलेस विद फियर। मैंने अपने आप को खौफ से बेबस कांपते हुए ऊपर की तरफ देखा। आई लुक्ड अप विदाउट मूविंग। मैंने बगैर हरकत किए ऊपर की तरफ देखा, स्पीचलेस, बगैर बोले एंड ब्रेथलेस और बगैर सांस लिए। द लाइट हैड बर्नड आउट। रोशनी बुझ चुकी थी। बढ़ती मून लाइट स्टिल लिट द रूम। लेकिन अभी भी चांद की रोशनी ने पूरे कमरे को रोशन किया हुआ था। डाउन एंड डाउन, नीचे और नीचे, विदाउट अ स्टॉप, बगैर रुके, विदाउट अ साउंड, बगैर आवाज़ के, केम द बेड टॉप एंड स्टिल माई मैड फियर हेल्ड मी वेयर आई ले। वो बिस्तर के ऊपर से आई और जहाँ तक के मेरे पागल खौफ ने मुझे जकड़े रखा, जहाँ मैं लेटा हुआ था। डाउन एंड डाउन इट सैंक, नीचे और नीचे ये होती गई, टिल द डस्टी स्मेल ऑफ द क्लोथ्स अबव मी केम क्रीपिंग इन टू माई नोज। यहाँ तक के गर्द आलूद बू, कपड़े की गर्द आलूद बू मेरी नाक में मुझे रेंगती हुई महसूस हुई। एट दैट मोमेंट, ठीक उसी लम्हे, द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, आखिरी ठीक उसी मुमकिन लम्हे, द नेचुरल फीलिंग ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, कुदरती जंगली जानवर के कुदरती एहसास ने, टू सेव इट्स लाइफ वोक मी, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे जगाया। एंड आई मूव्ड, और मैंने हरकत की, जस्ट इन टाइम, ठीक उसी लम्हे, देर वॉज ओनली इनफ रूम टू रोल माई सेल्फ साइडवेज ऑफ द बेड। कमरे में सिर्फ इतनी ही जगह थी कि मैं अपने आप को बेड की बिस्तर के इतराफ़ की तरफ लुढ़का सकता। As I dropped noiselessly to the floor, जैसे ही मैं फर्श पर बगैर शोर के गिरा, the edge of the murderous hanging border touched me on the shoulder. उस कातिल तस्वीर के लटकती हुई तस्वीर के कातिल किनारे उसने मुझे मेरे कंधों पर छुआ। So students, this was our today's lecture. Watch videos very carefully. Stay blessed. Allah Hafiz.